लकड़हारा और प्रकृति देवी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक रात जब लकड़हारा सो रहा था, तब उसके सपने में प्रकृति देवी आई और उससे बोली, बेटा तुम्हारे पेड़ काटने की वजह से धरती का बहुत नुकसान हो रहा है। तब लकड़हारे ने कहा, माता मैं अकेला पेड़ थोड़ी न काटता हूँ, आजकल बहुत से उद्योग धंधे पेड़ काटकर ही चल रहे हैं। प्रकृति देवी ने कहा, बेटा सुधार की शुरुआत हमेशा एक से ही होती है, इसलिए अगर अब तुम एक पेड़ काटोगे तो इसके बदले दो पेड़ लगाओगे, ऐसा वचन दो। इसके बाद लकड़हारे का सपना टूट गया। दूसरे दिन लकड़हारा सुबह में उस सपने के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे पूछी, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बताइए। तब लकड़हारा उससे रात के सपने के बारे में सारी बातें बताता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, सुनो जी, हमारे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, जब भी आप पेड़ काटो तो उसमें ही दो पेड़ लगा दिया करेंगे हम लोग। लकड़हारे को पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। उन दोनों ने ऐसा ही करने का विचार किया। अब लकड़हारा जब भी पेड़ काटता तो वह दो पेड़ अपने जमीन पर लगाता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। इन सालों में उसने बहुत सारे पेड़ लगाए और उनका एक सुंदर सा बगीचा बन गया, जिसमें तरह तरह के फलों के पेड़ थे। अब लकड़हारे ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वह अपने बगीचे के फलों को बेचकर अपना जीवन खुशी से बिताने लगा।